नमस्कार, आप देख रहे हैं साउथ ब्लॉक डिजिटल और मैं हूं आशीष कुमार। दिल्ली में एक बार फिर से जो है एमसीडी के मेयर का चुनाव आज टल गया। यह तीसरी बार है जबकि एमसीडी के मेयर का चुनाव दिल्ली में टला है। 2 महीने हो चुके हैं आपको एमसीडी इलेक्शन को, लेकिन अभी तक राजधानी दिल्ली को एमसीडी का मेयर नहीं मिल पाया है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है आप लगातार देख ही रहे हैं और आज भी वैसा ही हुआ है। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को जैसा कि मेयर चुनाव होना था, लेकिन उस दिन भी किसी न किसी कारण से हो हंगामे के कारण जो है सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी और आज भी कुछ ऐसा हुआ। 10 मिनट तक ही सदन चला था और इसी बीच जो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो आपको पार्षद उन दोनों के बीच जो है जमकर यहां पर जो है नारेबाजी की गई, लेकिन आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि 24 जो जनवरी है, इससे पहले जो हुआ था आपको मतलब कि मेयर चुनाव के लिए जो बैठक तय की गई थी वो भी रद्द रही थी, और इससे पहले 6 जनवरी वो भी रद्द रही, और आज तीसरी बार मेयर चुनाव जो है वो रद्द हो गया है। आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो है वे लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी के जो आपको पार्षद है वे बेवजह हल्ला कर रहे हैं। आज भी वो उन्होंने कहा कि लगातार जो है इसे डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। वही बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप है कि आम आदमी पार्टी जो है वो बीजेपी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। लगातार जो है उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है कि वे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले। लेकिन जिस प्रकार से आप पिछले 2 महीने से देख रहे हैं कि एमसीडी को अभी तक मेयर नहीं मिला है, ये बड़ा ही जो है वो गौर करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक शहर में 2 महीने हो चुके हैं एमसीडी चुनाव को, लेकिन अभी तक मेयर नहीं मिल पाया है और लगातार सदन जो है वो स्थगित किया जा रहा है। हालांकि पहली बैठक में ही जो है वो मेयर का चुनाव हो जाना था। इसके पीछे बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने भी कहा कि बीजेपी जिस प्रकार से ये कह रही है कि हम उनके पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सरासर गलत है, और बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है। तो आज एक बार फिर से सबसे बड़ी खबर इस समय की है कि दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए आज जो चुनाव होना था मेयर का, वो फिर से अगली तारीख के लिए जो है वो स्थगित कर दिया गया है। और आगे क्या कुछ होगा हम आपको बताते रहेंगे। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।